जदि 50टा साइकिल गुटे सेकंड रे कंप्लीट हो जे 50टा साइकिल कंप्लीट हो जे गुटे सेकंड रे तो गुटे साइकिल कंप्लीट होबा लागि 1/50 सेकंड लागथुबा तो 1/50 कैलकुलेट करबो 0.02 आसपास आसबा कि नै तो सेटा होचे टाइम पीरियड सो तमे जे 1/50 के तमे लिखि पारबो काना फ्रीक्वेंसी सो v एवरेज इज इक्वल टू vs * t ऑन आ 1/t जगह रे काना लिखि देबे एक लिख दे पर नहीं ना हो तो ये जन एक्सप्रेशन डाल चाहे आउट एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू वीएस इनटू टी ऑन बाय टी टी जगह में खाली एफ लिखो जे है ना जस्ट टी जगह रे 1 बाय टी जगह में एफ लिख दे 1 बाय टी जगह में का लिखो जे एफ लिख दे जे हो कि ना और ये एफ के हमें कोई पर ना चॉपिंग फ्रीक्वेंसी जंदा तुम टी के तुम्हें का को बोल चॉपिंग टाइम पीरियड एफ का कहबो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी तो इटा भी गुटे एक्सप्रेशन है एवरेज तमे जे फ्रीक्वेंसी गिवन होचे टी ऑन गिवन होचे सप्लाई वोल्टेज गिवन होचे तो एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करर फार्मूला इटा हैला हला आ जदी तुम ड्यूटी साइकिल दिछे आ सप्लाई वोल्टेज दिछे डायरेक्टली फार्मूला यूज करी के एवरेज कैलकुलेशन करि पारो बुझियो छि कि नै ओके नेक्स्ट इज आरएमएस कैलकुलेशन वी आरएमएस हमको जन आउटपुट वोल्टेज का मिलु जे तर आरएमएस वैल्यू केते आरएमएस का पूर्वम कण है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तो देखो फर्स्ट में तुमको एवरेज का कथा कह दे छी वी एवरेज तमे केनती लेखु 1/50 को बोलो 1 टाइम पीरियड तापर इंटीग्रेशन साइन दे गिरी 0 रु केते लेखु दलो जोरे को 0 रु टी ऑन ओके तापर का को बोलो वीएस इनटू वीटी वीएस का ना थिला तो सप्लाई वोल्टेज हो कि नै तो तमे ई हिसाब तमे एवरेज रो कैलकुलेशन ले करुलो लेकिन मते हमें काढबा छ आरएमएस वैल्यू ओके आरएमएस वैल्यू काढला बले तमे का करू छ जतले वी आरएमएस काढू छ 1/t लेखु छ ठीक हो जदी किछ प्रॉब्लम नै न इंटीग्रेशन जन करू छ सटा कि 0 रु टी ऑन ही करू छ ठीक हो छ लेकिन तमे ई जन वैल्यू रो स्क्वायरिंग कर दो छ बिकॉज रूट मीन स्क्वायर माने का रूट मीन स्क्वायर ने फर्स्ट स्क्वायरिंग करो तापर मीन बाहर करो मीन बोले गाना एवरेज है एवरेज बाहर करो तापर तुम्हें रूट रूट ओवर उठे दे दियो सेटा हे गला तुम्हार आरएमएस वैल्यू तो फास्ट काम करना छ तुमको लास्ट अडवास वाला स्टार्टिंग रूट ओवर नहीं दे फास्ट काम करना तुम स्क्वायरिंग करो हला तो तुम्हें जे ई जनिसा देखु जो कि ने तार स्क्वायरिंग कर जहां के इंटीग्रेट करू जो तार स्क्वायरिंग कर दियो तो स्क्वायरिंग करले का हे गला वीएस रो स्क्वायरिंग हे गला इनटू डीटी करो ओके ने स्क्वायरिंग हे गला एबे एवरेज कैलकुलेट करबार छै मै तुमको का कहि दी इंटीग्रेशन करिक यदि 1/t कर दो जे बरेटा एवरेज कैलकुलेशन ही आए एवरेज कैलकुलेशन जदि तुम करू छौ इंटीग्रेशन मेथड रे तो इंटीग्रेट करिक 1/t कोले से एवरेज कैलकुलेट ही कर दे छै तो मोर जे इंटीग्रेशन आ 1/t टा एक्चुअली केन कैलकुलेशन ता कर देले एवरेज कैलकुलेशन कर देले एबे मोर खाली लास्ट काम काना रहला रूट ओवर दो बटा स्क्वायरिंग मीन रूट ओवर स्क्वायरिंग तो कर देले न एवरेज कैलकुलेशन या तो मीन कैलकुलेशन केना करबो इंटीग्रेशन करिकरी इंटीग्रेशन कर देले हला इंटीग्रेशन रे एक्चुअली का से एडिशन है देखो एवरेज रो कैलकुलेशन एक्चुअली तमे केना करसो कि तीनटा क्वांटिटी के ऐड कर दसो और डिवाइडेड बाय जे तीनटा क्वांटिटी रो करजो 3 करसो मतलब एडिशन देन सबुटा मिसिस आला परे डिवाइड कर दसो ओके ना जतरा क्वांटिटी दिसि तो इने जे इंटीग्रेशन करूचो इंटीग्रेशन एक्चुअली का करना क्यूमुलेटिव एडिशन ही करसो इंटीग्रेशन रो माने हो जे एडिशन करसो क्यूमुलेटिव एडिशन तुमको मैं 5 टका देली तापर फिर 10 टका देली तमे ताके मिसि 15 कर दलो फिर 5 टका देली मिसि तमे 20 कर दलो फिर 20 टका देली ताके मिसि 22 कर दलो इटा के कहै छै क्यूमुलेटिव एडिशन ई हिसाब रे इंटीग्रेशन जतले करू जे त से क्यूमुलेटिव एडिशन कर दला एडिशन हे गला आमे इने स्क्वायरिंग कर दिछु एडिशन हे गला न बाय टी कर दलो बले एवरेज कैलकुलेशन भी हे गला एडिशन करि के यदि बाय कर दसो बले एटा एवरेज हे छै ना तो एडिशन तो तमोर इंटीग्रेशन एडिशन रो काम कर दला बाय टी एन कर दलो सेटा कहाँ कैलकुलेशन कर दिला एवरेज कैलकुलेशन तार माने एक तो मोर केते काम हे जे स्क्वायरिंग हे जे एवरेज भी कैलकुलेशन हे जे लास्ट काम रहला रूट ओवर द वाटर रूट ओवर दे नो मार दबा ओके ने रूट ओवर दे देवा बोले तो मोर इटा हे गला आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन रो फार्मूला दिस इज योर फार्मूला टू कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ओके सो भी आरएमएस इटा आउटपुट रो आरएमएस वैल्यू रो हमें कैलकुलेशन कर जो कि नहीं सो भी आरएमएस के में काना लेती पार में 1/t
पूरा 180 इंटीग्रेशन 0 रूप d on ds into dt squaring then root over because imagine integration of 1 by t averaging का काम कर दूँ यार तो squaring कर दिलो mean मतलब averaging का काम नहीं करला खाली root over दबा चला root over दे दिली vrms का expression बनी गला ठीक है अच्छा इधर तो मैं देखो vs रो square अच्छे आपका root over रचे बोले खड़ा बाहर क्या सीज़ बाकी नहीं vs सीज़ बाकी जदि मैं तुमको कहमी 5 रो स्क्वायर रो रूट ऑफ तो तार वैल्यू कितने हबा 5 ही तो हबा ना ओकी ने तो इने 5 ही जीवा बीएस जंदा 5 हो जाए ने बीएस स्क्वायर करू तो रूट ऑफ पड़तो बोले से कितने ही जीवा बीएस ही जीवा बीएस केतले में बाहर के आने को कले त स्क्वायर स्क्वायर तला जाए तो रूट ऑफ लगी से बीएस ही हो अबे ब्रैकेट बने तो रूट ऑफ भीतर के रहबा 1/10 इंटीग्रेशन 0 टू टी ऑन डीटी बीएस रूट ओवर विद रे 1 बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ डीटी कितने है टी है जी स्मॉल टी है जी ब्रैकेट विद रे कौन लिखबो 0 अविनु टी ऑफ ओके देन बीएस 1 बाय टी ऐसे स्मॉल टी जगह थोड़े कौन पुट करबो टी ऑन तो मैं थोड़े टी ऑन लिखि देबे तबरे माइनस साइन देगिरी सही स्मॉल टी जगह थोड़े के पुटबो 0 ओके तो इधर पर एनु लिखो जे vs 1 by t t on ठीक है तो vs इधर बेसिकली t on by t है ना t on by t लिखी पर नहीं है हां अच्छा t on by t में काना कोई ड्यूटी साइकिल है अल्फा अल्फा डिफाइन कर ली ना टी ऑन डिवाइडेड बाय टी इज योर ड्यूटी साइकिल और अल्फा सो आई कैन रिप्लेस दिस टी ऑन बाय टी बाय अल्फा सो वीएस रूट ओवर अल्फा सो योर आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू वीएस इनटू रूट ओवर ऑफ अल्फा आई कैन राइट वी आरएमएस इज इक्वल टू वीएस इनटू रूट ओवर ऑफ अल्फा दिस इज हाउ द आरएमएस वैल्यू इज कैलकुलेटेड बुझी पार्लो कि नहीं तो एग्जाम रे स्टेप डाउन चक्कर पर ले तुमको से पहला सर्किट डायग्राम ड्रा कर दबो कांसेप्ट एक्सप्लेन कर दबो केते स्विच ऑन लेवल ले खाना होचे केते बोले प्रीव्यूली डायोड फॉरवर्ड वाइज होचे केते रिवर्स वाइज होचे हो कि नहीं तापरे तुमको वेवफॉर्म ड्रा करार होचे तापरे एवरेज आउटपुट वोल्टेज तापरे आरएमएस आउटपुट वोल्टेज रो एक्सप्रेशन लिख दबो पांच मार्क रो क्वेश्चन आइस हो कि नहीं ठीक है जे एवरेज रो कैलकुलेशन तमे करू जो से त आउट के बहुत से बुझवार लगी मैं आउट के फाइनल तुम को एवरेज कैलकुलेशन रे बतू छे हला सटी के देखियो एवरेज रो कैलकुलेशन ना जितने आउट के गुटे एग्जांपल दे दो जे तमे सो दैट एवरेज के आउट के बहुत से बुझी पाबो कि एवरेज ता एक्चुअली आए का भाबो कि उते परसेंटे अच्छे से फर्स्ट मंथ रे ताके सैलरी मिलला 500 डॉलर सेकंड मंथ रे ताके किछी भी सैलरी नै मिल थर्ड मंथ रे फेर फेर 500 मिलला फोर्थ मंथ रे तार सैलरी किछी नै अबे चेंज करू सेट सो भावो कि उटे परसेंटे अच्छे जाके फर्स्ट मंथ रे सैलरी तार रहउछे 500 सेकंड मंथ रे किछी भी सैलरी नै मिलला थर्ड मंथ रे फेर फेर 500 फोर्थ मंथ रे किछी नै मिल ठीक अच्छे इन्हें 0-0 सैलरी मिली है इन्हें 500-500 लेखा सैलरी मिली है तो टोटल चार मास रे ताकि टोटल कितना टाइम मिली जब कोई पर 1000 टाउन लेकिन एवरेज सैलरी तर कितने है 800 एवरेज सैलरी 800 हमें कोई पर मिली से चार मास तक ताकि 800 टाउन लेखा मिली है चार मास तक ताकि 800 लेखा मिली है हमें कोई पर 250 इज द एवरेज सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉई से लोग रो एवरेज सैलरी 250 एवरेज कांसेप्ट बुझि पालो हो कि नहीं तो इधर के हिसाब रे बुझो कि इटा फर्स्ट मंथ रो थिला हो कि नहीं इटा सेकंड मंथ इटा थर्ड मंथ इटा फोर्थ मंथ तो 500 इनटू 1 यदि मैं लिखनी 500 इनटू 1 हला सेटा इक्वल हो जे 250 इनटू 2 500 इनटू 1 टा इक्वल लिखि पाबो 250 इनटू 2 कहि गेली सो 500 इनटू 1
500 टका गुटे मास रो सैलरी है सेटा इक्वल होगा 250 इनटू दुटा मास रो सैलरी हिसाब रे तो 250 इनटू 2 कर देमी बोले ई परसेंट हम देखु जो तार माने ई परसेंट आ एग्जैक्टली इक्वल हो जेनी परसेंट आ कि ने हो जे तो ई परसेंट आ तो मैं देखु जो ई वैल्यू टा इतर एरिया संग इक्वल हो जे कि ने यदि तक रेक्टेंगल हिसाब रे भाबे जो ई जे गुटे रेक्टेंगल देखु जो आ मैंने गुटे रेक्टेंगल टा बनो जे इतर एरिया जेकी हवा ई जन रेक्टेंगल तो एरिया भी तो सती होवा ना कि नहीं हुए हवा तो 500 तो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा वीएस थिला ना वीएस थिला सप्लाई वोल्टेज वीएस अब इन जन वन टाइम की तुम्हारा टी ऑन थिला कि नहीं हो कि नहीं इन वेस की तुम्हारा टी ऑन पीरियड थिला इक्वल टू 250 तो मैं काना कोई पारो 250 टाइम हो जो तुम्हारा एवरेज वैल्यू हो कि ना 250 टा से पर्सन रे एवरेज सैलरी है ना तो एवरेज वैल्यू का तुम्हारा आउटपुट माने एवरेज वैल्यू आउटपुट रे एवरेज वैल्यू इनटू 2 2 टा तुम्हारा काना थला टोटल टाइम थला हो कि ना टी ऑन और टी ऑफ के मिसल है टी उधर मतलब इधर लिखिए बाकी ना जो ये जन एग्जांपल के लिंक कर जीवो से संगे से जन आउटपुट वोल्टेज और वेवफॉर्म संगे तो ये जिनिसटा 500 इनटू 1 इक्वल होचे 250 इनटू 2 तो से वेवफॉर्म हिसाब रे भाबी भावो केंदा हवा वीएस इटा तमर वीएस थिला ई हाइटटा वीएस इनटू टी ऑन इक्वल हवा का सागे एवरेज वैल्यू इनटू 2 सागे हो कि नै बुझी होचे कि नै हवा आगु ते एग्जांपल दे दोचे यदि नै बुझी सपोज भावो कीटा गुटे बाउंड्री है लेकिन बाउंड्री टा जन अछे कि नै एंता फॉर्म रे ई जगह रे किछी भी नै वाल ई जगह रे भी किछी भी वाल नै क्रिकेट ग्राउंड माने देखो जन ग्राउंड तेसी मौजी मौजी भांगी दी दिसन ना ई जगह रे भांगी हे ई जगह रे भांगी हे किछी नै इन लेकिन अछे तो मुई काना चाहु दिली कि रिकंस्ट्रक्शन करवा लागि रिकंस्ट्रक्शन करमी हला रिकंस्ट्रक्शन करमी लेकिन मुई इटा किनि कि नै आने इनर इटा के यूज करी कि इटा के क्लोज करबी बाउंड्री टा हला तो बेसिकली मैं का करमी आज नहीं कि इनो जन गैप टा छै कि नै से गैप के फिल अप करवा लेगी ऊपर भांगी देमे हला अब इनो हटा भर दे फिर इनो ऊपर किछ भांगी देमे अब इनो भर दे हे पारवा परवा नै तो इनो इटा काढ ली इने भर देली बोले तमर बे नुआ जन हाइट टा बनवा कि बाउंड्री रो नुआ हाइट टा बनवा कि नै सेटा हो नुआ एवरेज नुआ हाइट टा जन बनवा बाउंड्री रो सेटा हवा एवरेज तो भाभी दियो इजन हाइट अति लागि नै वाल रो सेटा भाभी दियो 5 मीटर रो एटा 1 मीटर तो लंबा थिला तापर 1 मीटर रो गैप इटा 1 मीटर रो गैप रहू छे 1 मीटर रो गैप रे तुमको टोटली किछ नै न वाल ही नै ई फॉर्म रे थिला तो मु जते बोले ऊपर भांगी गिरी इटा के इनु भरि जेमे बोले इटा नुवा हाइट ता तुम ई हिसाब रे बनवा कि नै इटा नुवा वाल ता बनि जेबा नुवा बाउंड्री बनवा आ ई जन हाइट ता ही हो जे तुम्हारे एवरेज वैल्यू हाइट ही तुम्हारे एवरेज वैल्यू है हो कि नै तो मैं 5 × 1 लिखि परमे 5 × 1 लिखि परमे 5 मीटर इनटू 1 सेटा इक्वल हवा का सके एवरेज वैल्यू इनटू 2 सांगरे एवरेज वैल्यू बोले केते ही जो ता माने जे नुवा हाइट ता बनबा सेटा केते होई दिबा 2.5 होई दिबा बुझे हो छि कि नै एबे जे नुवा हाइट ता बनबा सेटा 2.5 रो से 2.5 ता होई छि मोर एवरेज वैल्यू बुझी पर जुने पर ये जन सीधा 5 मीटर रो थिला आ उतर जिया का थिला 1 मीटर थिला बोले कि ये इतरो एरिया केते थिबा हाइट थिबा आ इता के ही मैं रिकंस्ट्रक्शन करी करी इन वेत की बाउंड्री बन देले ना ई जिनिस टा के ही मैं ई फॉर्म रे कन्वर्ट कर देली ऊपर काढी करी तो इतर एरिया जत की होबा ई पर्सन रो भी तो एरिया से की होबा ना कि नहीं होबा इतर एरिया सपोज टोटल एरिया 100 हला लेकिन ई एग्जांपल से जो होल तर टोटल एरिया कितना हो 5 × 1 करो 5 मीटर स्क्वायर हवा इतर एरिया 5 मीटर स्क्वायर हवा कि नहीं आ इतर एरिया टा कितना हवा इतर एरिया टा 1 अछे इटा हो कि नहीं इटा 2 अछे ना इटा 2 अछे तो इटा जदी 2 अछे इटा के कते हेले जे दुटा एरिया इक्वल हे परबा ओडे हेले जे देवन त माने ई जे नुआ हाइट टा बनबा सेटा ओडे मीटर रो हाइट टे बनबा तबे जे कि ओडे इनटू ई जे 2 इक्वल होगा 5 मीटर स्क्वायर इतना एरिया
हला बिकॉज़ तमे ई वॉल के भांगी कि तो इडा बनालो ना हो कि नहीं बोले इतर एरिया जितकी हवा इतर भी एरिया तो जितकी हवा कि नहीं यदि इतर टोटल एरिया भाबो एग्जांपल इतर भाबो इतर टोटल एरिया जे नचे 100 थिला भाबो हला इतर टोटल एरिया 100 थिला हम एतकी पर्सन के भांगी के नहीं बोले अब एतकी पर्सन रो तमर एरिया जे नउते भाबी तो 30 है आ से 30 टा के हम इनो एडजस्ट कर देली तो इतर 30 हला कि नहीं इनो उपर 30 मीटर स्क्वायर बाहर बोली इनो पके देली तो इटा 30 मीटर स्क्वायर अब इटा केते थेबा 70 थेबा कि नहीं इनो एतकी 70 थेबा कि नहीं तो इटा 70 आउ 30 टाइम में मिसाल लगले के 70 प्लस 30 में से कि इटा भी तो पर 100 आबा कि नहीं बुझियो छि कि नहीं तो ई हाइट टाइम यूज तो हम एवरेज होय हाइट टाइम यूज तो हम एवरेज होय तो एवरेज कैलकुलेशन केना करबो आरएमएस कैलकुलेशन केन दे हबा बुझियै गेला हो कि नहीं नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप ऑफ चॉपर विषय रे डिस्कस करनो स्टेप ऑफ चॉपर भी आपा चांसेस होचे कि दुइटा भितर कुटे क्वेश्चन पक्का आसो तापर हम नेक्स्ट दुइटा वीडियो रे हम एक्सप्लेन करनो साइक्लो कन्वर्टर कण आसी फ्रीक्वेंसी अप डाउन आसी हो कि नहीं फ्रीक्वेंसी के तमे कम करि पारबो या तो बढ़े भी पारबो तो सेटा दुइटा वीडियो डिस्कस कर दो हम भितर कुटे क्वेश्चन पक्का आसबा हला एसएमपीएस रो लेक्चर तमे YouTube देखि पारबो एटा मैं अपलोड कर दे छी हला एसएमपीएस रो वीडियो लेक्चर टाइम देखि दबो एसएमपीएस आ यूपीएस ए दुइटा भितर कुटे पक्का क्वेश्चन आसबा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई पढ़ी दिली ना सोरे सोरे छै ना यूपीएस आउ तना तमर एसएमपीएस ए दुइटा भितर गुटे क्वेश्चन आसबा साइक्लो कन्वर्टर दुइटा आज जने भितर गुटे क्वेश्चन आसबा आउ स्टेप अप स्टेप डाउन चप्पर गुटे आसबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चप्पर थिला क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी ई चारि क्लास रो गुटे क्वेश्चन आसबा सात मार्क हला तो हमे स्टेप अप स्टेप डाउन करे टाइप ऑफ चप्पर के डिस्कस कर दमा ठीक अछि चप्पर सर्किट हे गला और रेक्टिफायर सर्किट तमे YouTube वीडियो में अपलोड कर छटे के देखो रेक्टिफायर सर्किट जे क्वेश्चन आसला हे भीतर हला ठीक हो जे